नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्रीराम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य हैं, वो बहुत समय से हमसे माता कामाख्या की साधना मांग रहे हैं और उन्हीं के लिए आज हम आपको इस वीडियो में माता कामाख्या की साधना उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, माता कामाख्या जो है माता आदिशक्ति का ही रूप है। जब माता आदिशक्ति के स्वरूप माता सती ने दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग गए थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और संसार से अपने आप को बिल्कुल उन्होंने विरक्त कर लिया था। और तभी भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा के कहने पर माता सती के शरीर को कई खंडों में विभक्त कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। अब देखिए, जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी और उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है माता कामाख्या का शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का योनि का भाग गिरा था और यहाँ पर आज कामाख्या शक्तिपीठ आपको देखने को मिलता है। देखिए, देवी सती के शव के कुल 51 टुकड़े इस पृथ्वी पर गिरे थे और सभी माँ के 51 शक्तिपीठ कहलाए हैं। माता कामाख्या का शक्तिपीठ भी उन्हीं में से एक है। माता कामाख्या का शक्तिपीठ अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक और स्वयं सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े बहुत दूर दूर से तांत्रिक मिलेंगे। यहाँ पर संसार के कई सारे देशों से, कई सारे कोनों से जो हैं तांत्रिक विद्या सीखने के लिए लोग आते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे तांत्रिक आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही उच्च दर्जे की साधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, यह भी माना जाता है कि अगर आप कामाख्या में जाकर किसी भी साधना को करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको उसमें सफलता मिल जाती है। तो कामाख्या शक्तिपीठ एक तरीके से सिद्धियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की सिद्धि पाना संभव है। देवी कामाख्या की उपासना अगर आप करते हैं तो माता बहुत ही जल्दी आपको फल प्रदान करती है। माता आपको हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और हमेशा आपकी रक्षा करती है। देखिए, जो भी माता भवानी के किसी भी रूप के उपासक होते हैं, कभी भी उनके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया काम नहीं करती और वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। माता भवानी हमेशा उनकी रक्षा करती है और सभी प्रकार के सुख सुविधा उनके जीवन में भर देती है और हर प्रकार के दुखों का नाश माता भवानी कर देती है। आप भी माता भवानी की साधना कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हमने आप सभी लोगों को जो है माता भवानी, माता कामाख्या की बहुत ही सरल और सात्विक साधना उपलब्ध करवाई है। वैसे तो अगर माता कामाख्या की आप अगर साधना करना चाहेंगे तो तामसिक साधना भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा उग्र होती है और कोई भी साधारण साधक माता कामाख्या की तामसिक साधना नहीं कर सकता। इसलिए आज हम आपको बहुत ही साधारण सी और बहुत ही अच्छी साधना उपलब्ध करवा रहे हैं। ये माता की सात्विक साधना है। अब सात्विक साधना या सरल साधना होने का ये मतलब नहीं है कि इस साधना में आपको लाभ देखने को नहीं मिलता, बल्कि उतना ही लाभ देखने को मिलता है जितना कि आपको तामसिक साधना में देखने को मिलता है। बस तामसिक साधना में यह थोड़ी उग्रता से थोड़े शीघ्र आपको लाभ देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको माता का सौम्य स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है और माता आपको अपने बालक के समान रखती है, सभी प्रकार की आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है और हर प्रकार से आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। देखिए, जब आप इस साधना को करोगे, जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो इस मंत्र को आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम में ले सकते हो। यह मंत्र आपको आपके जीवन में हमेशा सहयोग प्रदान करेगा। इस मंत्र के दम पर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह माता का बीज मंत्र है और इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद में आपको माता कामाख्या की सिद्धि मिल जाती है और माता कामाख्या की सिद्धि मिलने का अर्थ है आपको सभी प्रकार के समस्त सिद्धियां मिल जाना। क्योंकि जब आप इस मंत्र का आगे भी अगर लगातार जाप जारी रखोगे तो आपको जो है आगे भी कई प्रकार की शक्ति अपने आप मिलती जाएंगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस लेवल तक इस मंत्र के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि देखिए, जितना समर्पित होकर, जितना विश्वास से, जितना समर्पण से आप माता की साधना करोगे, माता की पूजा उपासना करोगे, उतनी ही जल्दी और उतनी शीघ्रता से उतनी ही उच्च लेवल की शक्तियाँ आपको मिलती जाएंगी। और इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि जो भी साधक इस मंत्र का नित्य जाप करते हैं उनकी ऊर्जा अपने आप बढ़ने लग जाती है। वो एक अच्छे लेवल की ऊर्जा प्राप्त साधक हो जाते हैं। यानी कि अगर वो किसी भी साधना को करे, चाहे परी साधना हो, हमजात साधना हो, कोई भी साधना क्यों ना हो, उसे उस साधना में बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए, जैसे हमारे अजय कुमार जी हैं, वो उन्होंने ये साधना मांगी है और वो अब 20 तारीख को माता कामाख्या के मंदिर में जाएंगे क्योंकि अम्बुवाची मेला लगने वाला है। तो अगर आप में से भी किसी को वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप वहाँ पर जाकर माता के मंदिर में, माता के कामाख्या शक्ति पीठ पर जाकर 11 माला जप करोगे इस मंत्र का, तो ये मंत्र जो है बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाता है। और एक बार जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद में आपको इससे अनुभव भी होंगे और साथ ही साथ कई प्रकार की जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो या फिर कोई भी परेशानी क्यों ना हो आपके जीवन में, धन से संबंधित हो, आर्थिक संपत्ति
से संबंधित शारीरिक परेशानी हो या फिर कोई सी परेशानी क्यों ना हो, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसका आप हर तरीके से उपयोग कर सकते हो। एक बार मंत्र सिद्ध हो जाए और आपको ये समझना है कि भाई आप किस तरीके से हम इसका उपयोग करना है, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको बता देंगे भाई आप किस तरीके से इस मंत्र का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। देखिए, आज माता के शक्तिशाली मंत्र जो हैं आज हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, अगर आप इसे सिद्ध कर लोगे तो हर तरीके से आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। देखिए, जो आपकी साधना का जो पूरा समय होगा वो आपका 41 दिन का होगा। 41 दिन में आपको इसमें साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। अब देखिए, कुछ लोग 41 दिन नहीं बल्कि 11 दिन तक साधना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन 41 दिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और आपको रोज़ाना जो है 11 माला जप करना है। रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं और रोज़ाना 11 माला आपको जप करना होगा, ठीक है। तो इस साधना को आप किस तरीके से कर सकते हैं, पूरी विधि बता रहा हूँ भाई। आप सुबह नहा धोकर पवित्र होकर मंदिर में बैठिए, जहाँ पे आपने पूजा स्थल बना रखा है वहाँ पर जाकर बैठिए। और फिर आप वहाँ पर बैठने के बाद में साफ़ सफाई का पहले ही ध्यान रखना भाई। जहाँ भी आप पूजा करोगे, जहाँ भी आप साधना करोगे, तो हमेशा साधना में पवित्रता का, साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा कीजिए। क्योंकि कोई भी अगर दिव्य शक्ति वहाँ पर आएगी और अगर आपने अच्छी तरीके से साफ़ सफाई पवित्रता का ध्यान नहीं रहा तो वो रूठ कर भी जा सकती है। इसलिए साफ़ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखिएगा। और जब आप पूजा घर में जाके बैठोगे तो एक माता कामाख्या का चित्र अपने सामने एक चौकी के ऊपर स्थापित कीजिएगा। उनका पूजन कीजिए, गुरु जी का पूजन कीजिए, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कीजिए, फिर माता कामाख्या का पूजन कीजिए। और माता कामाख्या का यंत्र अगर आपके पास उपलब्ध हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उनका यंत्र भी उनकी फ़ोटो के पास रखकर उनकी भी पूजा कीजिए। उसके बाद में आप अपने हाथ में जल लेके संकल्प कीजिए कि माता, मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ और इतने दिन तक मैं साधना करूँगा और मेरी ये इच्छा है, आप इस इच्छा को पूर्ण कीजिए और मैं रोज़ाना इतने माला जप करूँगा। देखिए, संकल्प की पूरी एक विधि होती है, कई बार मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको समझ में ना आए कि संकल्प कैसे लेते हैं तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, या फिर कोई भी आपके पास पुजारी या कोई भी साधक हो तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, संकल्प लेते हैं तो अपने गोत्र, अपने नाम का, सबका आपको उसमें वर्णन करना होता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको संकल्प लेना ना आए तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद में आपको माता का पूजन करके, माता को प्रणाम करके उनका ध्यान करना है। और माता का ध्यान करने के बाद में माता का आशीर्वाद लेके आपको मंत्र का जाप करना है। अब जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा होगा, इस मंत्र को आपको 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप पूर्ण होने के बाद में माता को प्रणाम कीजिए और दोबारा से माता का ध्यान कीजिए और माता को प्रणाम करके आप उठ जाइए। अब देखिए, कुछ नियमों का पालन आपको करना है। जहाँ भी, जिस भी स्थान पर आप साधना कर रहे हो, तो एक काम अगर आपसे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। देखिए, वो काम क्या है कि जब तक आपकी साधना चले तब तक उस क्षेत्र पर कोई व्यक्ति ना आए। और अगर कोई आ रहा है तो अपवित्र व्यक्ति ना, ये नहीं कि भाई झूठे मुँह से वहाँ पर जा रहे हो या फिर दूषित होकर वहाँ पर जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झूठे हाथों से जा रहे हो या फिर झूठे हाथों से वहाँ पर जाकर कोई भी झूठी चीज़ें फैला रहे हो, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाए तो पूर्ण रूप से पवित्र होकर ही जाए। इस बात का आप ध्यान रखिए भाई। आपके अगर बच्चे भी आप पूजा स्थल पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो उनसे भी आप कह दीजिए भाई हाथ मुँह धोकर ही आप पूजा स्थल पर जाइए, कभी भी झूठे मुँह से बिना हाथ मुँह धोए पूजा स्थल में मत जाइएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर साधना के दौरान कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मान लीजिए भाई घर में ये व्यवस्था नहीं हो पाती, आप घर में साधना कर रहे हो, पूजा स्थल पे सब लोग आएंगे पूजा करेंगे, तो आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि भाई आपका जो पूजा स्थल है, घर में सदस्यों से कह दीजिए कि भाई यहाँ पर जो है माता की पूजा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कोई भी सदस्य जो है अपवित्र होकर नहीं जाएगा, झूठा मुँह से नहीं जाएगा या फिर बिना हाथ मुँह धोए नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल दीजिए, जिससे कि आपकी पवित्रता बनी रहेगी साधना में। और साधना के दौरान जब आपकी 41 दिन की साधना चलेगी तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और भी आपको कई नियम जो साधना के सामान्य नियम होते हैं उनका आपको पालन करना होता है साधना के दौरान। और जब भी आप साधना करो तो पवित्रता का ध्यान रखना, मैंने हमेशा ही बोल दिया है। और माता के सामने आप धूप दीप जलाओगे तो आप इत्र का भी उपयोग कर सकते हो। अच्छी सुगंधित अगरबत्ती होती है, धूप अगरबत्ती होती है, उसका उपयोग कीजिए, जिससे कि जहाँ पर भी आप साधना कर रहे हो वो वातावरण अपने आप सुगंधित होने लग जाए। अब देखिए, जब आप इस साधना को करते हो तो कई बार क्या होता है कि अपने आप आपके आसपास का वातावरण महकने लग जाता है। तो ये भी आपकी साधना के संकेत होते हैं कि आपको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए,
ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जब आप इस मंत्र का वाचन शुरू करोगे, इस मंत्र को बोलना शुरू करोगे, तब ये अपने आप आसपास की शक्तियाँ जो हैं जागृत होने लग जाएंगी और वो आकर्षित होंगी और आपके आसपास का वातावरण जो है एकदम से जो है सकारात्मक हो जाएगा और चारों तरफ जो है आनंद सा छा जाएगा। तो उसमें हो सकता है कि आपको अपने जब भी आप साधना करो तो बिल्कुल खुशबू फैली महसूस हो या फिर आपको कुछ और भी अनुभव हो सकते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति माता के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इस साधना के दौरान माता के दर्शन भी प्राप्त होंगे, लेकिन माता के दर्शन देखिए आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होंगे बल्कि सपने में या फिर ध्यान में आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। जब आप ध्यान लगा के बैठोगे माता का तो तब आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं या फिर सपने के द्वारा भी माता के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए, माता के दर्शन प्राप्त होने का सीधा मतलब ये नहीं होता कि भाई माता प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन दे रही है। कभी कभी क्या होता है, माता आपको एक छोटी बालक के रूप में, किशोरी के रूप में दर्शन दे देती है या फिर आपको एक वृद्ध महिला के रूप में भी सपने में दर्शन देती है। तो अगर आपको अपने सपने में वृद्ध महिला या एक किशोरी बालिका दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये माता का ही स्वरूप है जो आपको दर्शन देने के लिए आया है। और जब आपका साधना पूरा हो जाए 41 दिन का, तो उसके बाद में आप जो हैं छोटी छोटी कन्याओं को भोजन जरूर करवाइएगा और अगर आप कुछ गरीबों को भोजन करवा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गरीबों को भोजन ना हो सके, ज़्यादा बड़ी व्यवस्था की नहीं कह रहा, बस आप 2-3 गरीब लोग जो हैं उनको भोजन करवाइए, जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से उन्हें दान दे दीजिए। ज़्यादा ना हो सके तो 5-10 रुपये उन्हें दान दे दीजिए और भोजन करवा दीजिए, बहुत पर्याप्त है। और छोटी छोटी बालिकाओं को भोजन करवा दीजिए, इससे आपके मंत्र की साधना सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने मंत्र को रोजाना एक माला जप कर सकते हो, जिससे कि इसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। और जब भी आपको जीवन में किसी भी खतरे का सामना करना पड़े या फिर किसी भी प्रकार का बहस आता है, किसी प्रकार की परेशानी आए, आप इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा एक माला, आपकी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। और देखिए, जो व्यक्ति माता को अपनी माँ के रूप में पूजेगा, उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसे जो है माता के कई बार दर्शन प्राप्त हो, साधना की सिद्धि के दौरान ही नहीं बल्कि बाद में भी उसे माता के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो पूर्ण रूप से माता के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो माता को एक देवी की तरह नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह पूजते हैं, अपनी जननी की तरह उन्हें पूजते हैं। उसके बाद में माता भी उन्हें अपने लाल की तरह, अपने बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सही रास्ता दिखाती है और उन्हें दर्शन भी देती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको माता के दर्शन प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपको मंत्र की सिद्धि हो जाएगी और इस मंत्र का आपको अनुभव भी प्राप्त होगा। जब आपकी साधना चल रही होगी तो जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी, आपको अपने आप अनुभव प्राप्त होने लग जाएंगे। 10-11 दिन के बाद में सामान्य रूप से अनुभव आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। अगर साधना में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बता दीजिएगा। और सबसे विशेष बात और बता देता हूँ कि भाई, जो भी अनुभव आपको साधना के दौरान प्राप्त हो, आप किसी को मत बताइएगा। ये सबसे विशेष बात है, जो भी अनुभव आपको साधना के दौरान हो रहे हैं वो आप किसी को भी नहीं बता सकते। अगर कोई ज़्यादा ही परेशानी आई है तो हमने आपके गुरु की तरह साधना उपलब्ध करवाई है, तो आप हमसे ज़रूर अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ बहुत ही ज़्यादा उच्च अनुभव होते हैं वो तो किसी से शेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन मान लीजिए, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ गया या फिर आप बहुत ही ज़्यादा उलझन में फंस गए कि गुरु जी मुझे यह अनुभव हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है, तो तब आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। जो भी समस्या होगी, जो भी अनुभव होगा, उसके बारे में हम आपको जो भी समाधान होगा वो उपलब्ध करवा देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि परिवार में या किसी भी सदस्य से या अपने जीवन में किसी भी सदस्य से ये कभी भी शेयर मत कीजिएगा कि आपने इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की और आपको ये अनुभव प्राप्त हुए। ठीक है, जब तक गुरु आज्ञा प्राप्त नहीं होती तब तक आप अपनी सिद्धि और अनुभव के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। इसलिए अपने अनुभव और अपनी सिद्धि को हमेशा गुप्त रखिएगा, तभी आपकी सिद्धि हमेशा बनी रहेगी। और अगर कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे हम हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हर बार वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देते हैं, जिसको भी हमसे संपर्क करना हो पहले आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्ट फ़ोन करोगे तो हो सकता है कि मैं उस समय भाई फ्री ना हूँ और आपसे बात ना कर पाऊँ, इसलिए आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए कि सर मेरा नाम यह है और मैं आपसे इस विषय में पूछना चाहता हूँ, तो मैं आपको समय दे दूँगा, उस हिसाब से आपसे बात भी कर लूँगा। और देखिए, ऐसी कोई सामान्य सी चीज़ हुई तो मैं आपको तुरंत जो है व्हाट्सएप पे तो हर चीज़ का रिप्लाई देता हूँ, आप ज़रूर मैसेज किया कीजिए। अगर कोई भी परेशानी आए आपको जीवन में, कोई भी साधना के दौरान परेशानी आए, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, उसका हम तुरंत ही समाधान कर देंगे। साधना आप कीजिए
साधना से आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और हमारे अजय कुमार जी हैं, वो भी माता के मंदिर में जा रहे हैं, तो आप में से जो भी सदस्य माता के मंदिर में जाए तो हमारी भी तरफ से माता के चरणों में प्रणाम कहिएगा, और ज़रूर आप इस मंत्र को माता के मंदिर में भी जाप कीजिएगा। कम से कम अगर 11 माला जाप आप कामाख्या शक्ति पीठ पर जाकर करते हो तो मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और आपको बाद में अनुभव भी बहुत ज़्यादा तीव्र प्राप्त हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप एक बार ज़रूर जाकर वहाँ पर माता के सामने जो है इस मंत्र का जाप करें। और देखिए, अगर आप माता के मेले में नहीं गए हैं इस बार, तो एक बार जब मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आपको सारे अनुभव होंगे, सभी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद में कोशिश कीजिएगा कि आप सिद्धि प्राप्त होने के बाद में एक बार ज़रूर माता के दर्शन करने जाएं, और उन्हें जो भी आप भोग चढ़ा सको वो भोग वहाँ पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। साधना पूर्ण होने के बाद में तो आपको वैसे माता को भोग चढ़ाना है, गरीबों में बांटना है, और रोज़ाना जब आप साधना करोगे तो जो सामान्य सा भोग होता है जो कि आप हर बार चढ़ाते हैं वो तो आप चढ़ा ही दीजिएगा। और अगर कोई परेशानी आए तो आप हमें बता दीजिए, आप इस साधना को कीजिए, माता जरूर आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। देखिए, मंत्र बाद में बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर सकता है, तो कभी भी इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो माता आपसे रुष्ट भी हो सकती है। तो अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अभी के लिए नहीं बल्कि आप हमेशा के लिए कमेंट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी आपने वीडियो देखी, अभी आपको कोई समस्या नहीं आई, लेकिन मान लीजिए आज से कई दिनों बाद में आपको समस्या आ गई, तो भी आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 10 दिन बाद में आई या फिर 1 महीने बाद में भी आती है तो भी आप आ जाइए, कमेंट कीजिए कि मुझे ये परेशानी आई है, आप इसका समाधान कीजिए, मैं तब भी उसका समाधान ज़रूर करूँगा। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, चिंता मत कीजिए, और कोई भी परेशानी होगी तो उसे मैं ज़रूर सुलझाऊँगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा और पूरी जानकारी को सुना। अगर हमारे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माता रानी की साधना ऐसे आप जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई दिक्कत आया तो आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो के नीचे जय माँ भवानी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।